क्लास प्लस वन योर नेक्स्ट टॉपिक इज द सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है, हम सेल के बारे में इस लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सेल के बाहर जो है एक और मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको हम जो है वो क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। तो आज जो है वो हम सेल वॉल के बारे में स्टडी करेंगे। तो सेल वॉल की पहले डेफिनेशन है कि सेल वॉल जो है वो किसको कहते हैं। सेल वॉल इज़ द आउटर मोस्ट, सेल के बाहर होती है तो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट रिजिड प्रोटेक्टिव लेयर होती है, सपोर्टिव लेयर होती है, जो कि बहुत सारे प्लांट सेल्स में पाई जाती हैं, बैक्टीरिया में पाई जाती है, साइनोबैक्टीरिया में, इवन कि सम प्रोटिस्ट में, ठीक है। बट ये एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है। तो डिस्कवरी जो है सेल की, वो सबसे पहले किसने की है, रॉबर्ट हुक ने की है। किसने की है, रॉबर्ट हुक ने। कब की है, 1665 में करी है, ठीक है। देन स्ट्रक्चर की बात करें तो प्लांट सेल वॉल इज़ अ फॉर्म्ड ऑफ टू पोर्ट्स। कह रहे कि प्लांट सेल वॉल जो है वो टू पोर्ट से मिलके बना है। पहली जो पोर्ट है वो प्राइमरी सेल वॉल है। प्राइमरी सेल वॉल जो है ये काफ़ी थिन होती हैं, आउटर होती हैं, आउटर लेयर होती हैं, और ये थिनर होती है, 1-3 माइक्रोन मीटर थिनर होती है। इलास्टिक लेयर होती हैं, लिविंग कोट प्रेजेंट इन द मेरिस्टेमेटिक एंड पेरेन्काइमल सेल्स। केमिकली ये जो है वो सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल से बनी होती है। सेल वॉल जो है ये सेल वॉल जो है ये किससे बनी होती है, माइक्रोफिब्रिल से, सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल से ये बनती हैं, ठीक है। देन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी प्रेजेंट इसमें होते हैं। प्राइमरी सेल वॉल जो है इज़ ऑल्सो विद द एक्सपेंसिन प्रोटीन्स विच हेल्प इन, इसमें जो है एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है एक्सपेंसिन प्रोटीन। प्राइमरी सेल वॉल में एक्सपेंसिन प्रोटीन होती है, जिसकी हेल्प से सेल वॉल जो है वो लूज हो जाती है और एक्सपेंशन करती है। देन उसके बाद जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेकेंडरी सेल वॉल जो है इट लाइज इनर टू द प्राइमरी सेल वॉल। ये जो प्राइमरी सेल वॉल है, इस प्राइमरी सेल वॉल के साथ साथ जो है वो कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है, ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स में प्रेजेंट होती है। एग्जांपल जैसे ट्रैकीड्स, वेसल्स, कोलन काइमा सेल्स, है ना, सक्लीरन काइमा सेल्स। इट इज़ थिकर एंड इज़ फॉर्म्ड ऑफ थ्री लेयर्स। जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये थ्री लेयर से बनी होती है। थ्री लेयर्स कौन सी, S1, S2, S3, इन विच मैक्रोफिब्रिल्स आर ओरिएंटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। केमिकली ये जो है वो, जो सेकेंडरी सेल वॉल है केमिकली जो है वो ये किस किस चीज़ से बनी होती है, ये केमिकली जो है वो सेलुलोज से बनी है, सेलुलोज से बनी है, हेमी सेलुलोज से बनी है, हेमी सेलुलोज, एंड इज़ फर्दर डिपॉजिटेड विद वाटर प्रूफ सुबेरिन। और इसमें जो है वो क्या प्रेजेंट होता है, सुबेरिन प्रेजेंट होता है, जो कि वाटर प्रूफ होता है, ठीक है। कुछ एरियल पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उसमें जो है वो क्यूटिन प्रेजेंट होती है, और कुछ जो है वो लिग्निन का पार्ट भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स जो हैं वो सेकेंडरी सेल वॉल के प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल में, सेकेंडरी सेल वॉल में। यहाँ पे ध्यान से देख लेना, सेकेंडरी सेल वॉल का स्ट्रक्चर इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से है सेकेंडरी सेल वॉल का, ठीक है। तो सेकेंडरी सेल वॉल में ये स्ट्रक्चर जो है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे जो है वो ख़त्म है, यहाँ पे जो है वो एब्सेंट है, यहाँ पे भी एब्सेंट है। तो सेकेंडरी सेल वॉल का इतना सा पोर्शन यहाँ से मिस हो रहा है, तो इस पोर्शन को हम पिट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पिट कैविटी। तो टू टाइप्स के पिट्स होते हैं, एक तो होता है सिंपल पिट होता है, ठीक है, सिंपल पिट होता है, जैसे कि यहाँ पे पिट कैविटी है, पिट पोर है, और दूसरी तरफ बॉर्डर्ड पिट होता है, जैसे पिट कैविटी और ऊपर से जो है वो बॉर्डर बना हुआ है, बॉर्डर्ड पिट्स।
पिट्स प्रेजेंट होते हैं, सिंपल पिट्स होते हैं। सिंपल पिट्स में पिट जो है वो यूनिफॉर्म साइज का होता है, यूनिफॉर्म साइज का पिट जो है सिंपल पिट है। बॉर्डर्ड पिट्स में फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर बना हुआ है पिट का, फ्लास्क लाइक ओवरहंग बाय सेकेंडरी वॉल। बॉर्डर्ड पिट्स जो हैं जनरली आर फाउंड इन द ट्रैकीड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, ट्रैकीड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स में पाए जाते हैं। देन आपको मिडल लेयर दिखाई दे रही है, मिडल लैमेला, ठीक है, ये इसमें भी देखना है आपने। इस लेयर में देखिए यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में मिडल लेयर है, बिल्कुल सेंटर में मिडल लेयर। मिडल लेयर के बिल्कुल अराउंड जो है वो प्राइमरी सेल वॉल होती है दोनों साइड। अगर आप दोनों साइड देखो ना, तो दोनों साइड जो है वो प्राइमरी वॉल है, ऐसे ऐसे प्राइमरी। प्राइमरी के बाद फिर से जो है वो अलग जो है वो फिर से एक लेयर बनती है सेकेंडरी, इस तरह से बनती है ना, ऐसे ऐसे सेकेंडरी। तो बीच में जो है वो मिडल लैमिला होता है। क्या होता है? मिडल लैमिला होता है, ध्यान से देखना मिडल लैमिला। अभी स्ट्रक्चर को देखिए आप, ये प्राइमरी, ठीक है, सबसे पहले एक लाइन खींचनी है आपने, ऐसे देखो एक लाइन बनाई है आपने सेंटर में, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये जो लाइन है ये मिडल लैमिला की है, ठीक है, ये मिडल लैमिला की लाइन है। फिर अगली जो लाइन है ये जो दिख रही है येलो कलर में, ये प्राइमरी वॉल है जो कि मिडल लैमिला के दोनों साइड पे प्रेजेंट है। फिर उसके बाद जो है अगली लेयर बनती है सेकेंडरी, ये सेकेंडरी है, हो गए पार्ट्स। अब आपसे कोई पूछे सेल वॉल का स्ट्रक्चर तो बता सकते हो ना, एक तो होती है इसमें प्राइमरी वॉल, दूसरी होती है सेकेंडरी वॉल, और सेंटर में होता है क्या, मिडल लैमिला। मिडल लैमिला जो है एक बाइंडिंग लेयर का काम करता है दोनों तरफ, ठीक है, सेल वॉल के बीच में, बाकी जो प्लांट सेल्स के सेल वॉल एडजेसेंट जो सेल वॉल के बीच में मिडल बाइंडिंग का काम करेगा, बाकी प्लांट सेल्स के साथ जुड़ने का काम करेगा, एक जॉइंट होता है दो सेल्स के बीच में, ठीक है। केमिकली जो सेल वॉल में ये जो मिडल लैमिला होता है, ये जो मिडल लैमिला है ये किस चीज़ से बना होता है केमिकली, देखें इसको तो केमिकली ये पैक्टेट्स होते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के, याद रखना आपने, दीज आर पैक्टेट्स ऑफ कैल्शियम, पैक्टेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के पैक्टेट्स प्रेजेंट होते हैं, इससे जो है मिडल लैमिला बनता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट से जो है मिडल लैमिला बनता है, ठीक है, ये हो जाएगा याद आपको। नेक्स्ट जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो है वो प्लाज्मोडेस्माटा का कनेक्ट ये है, प्लाज्मोडेस्माटा जो है ये कॉन्टीन्यूटी बनाता है दो सेल्स के बीच में। सपोज दो सेल्स हैं, ठीक है, ये दो सेल्स इस तरह से बना दिए, तो इसके बीच में अगर कॉन्टीन्यूटी बनानी है तो इतना सा पोर्शन जो है वो बीच में से गायब होगा और यहाँ पे जो है कॉन्टीन्यूटी बनेगी। तो ये जो है इस पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोल सकते हैं, कि प्लाज्मोडेस्माटा एक ये जो है एक्चुअली जो है एक तरह से कॉन्टीन्यूटी बनाता है, कनेक्ट करता है किसको, ये जो है कनेक्ट करेगा किसको, दोनों सेल्स के साइटोप्लाज्म को। प्लाज्मोडेस्माटा फॉर्म द एरियाज ऑफ द साइटोप्लाज्मिक कॉन्टीन्यूटी, याद रखना, देखो ये याद रखना, द प्लाज्मोडेस्माटा फॉर्म द एरियाज ऑफ द साइटोप्लाज्मिक कॉन्टीन्यूटी बिटवीन द टू एडजॉइनिंग सेल्स कॉल्ड सिम्प्लाज्म। वाइल इंटरसेलुलर स्पेस कंटेनिंग नॉन लिविंग मैटर कॉन्स्टिट्यूट्स एपोप्लाज्म। प्लाज्मोडेस्माटा जो है ये एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड होता है जो कि सेल्स के बीच में जंक्शन की तरह काम करता है, जिसके थ्रू जो है प्लांट सेल्स जो हैं मटेरियल की ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो आपको यहाँ मिलेगा, जैसे सेल वॉल होती है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और बीच में जो है वो साइटोप्लाज्म का कनेक्शन होता है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है, डेस्मोट्यूब्यूल जिसको बोलते हैं, ठीक है, डेस्मोट्यूब्यूल। कह रहे हैं कि सेल वॉल जो है, अदर ऑर्गेनिजम्स में बात करें अगला जो है सेल वॉल के बारे में, तो ये जो सेल वॉल है इसके बारे में बात करें, तो सेल वॉल जो है ये फंजाई में जो है वो कैसी होती है, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ फंजाई द सेल वॉल इज़ फॉर्म्ड ऑफ काइटिन। फंजाई में काइटिन, फंजाई जो होती है, फंजाई में सेल वॉल जो है वो किससे बनी है, काइटिन से बनी है। अगर इसमें प्रोक्रियोट्स में बात करें, प्रोक्रियोट्स के केस में सेल वॉल जो है उसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है,
पेप्टाइडोग्लाइकेन, क्या पाया जाता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। अगर एल्गी की बात करें तो एल्गी में जो है, एल्गी की बात करें तो एल्गी में जो है, सेल वॉल इज़ अ फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज। पहली बात, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? सेलुलोज प्रेजेंट होता है। देन ग्लैक्टन्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लैक्टन्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ जो हैं वो इसमें मैनोज, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन है प्लांट सेल वॉल की। अगर प्लांट सेल वॉल की बात करें तो केमिकली जो है प्लांट सेल वॉल में सेलुलोज भी प्रेजेंट है, ठीक है, सेलुलोज प्रेजेंट है 10-15%, सेलुलोज प्रेजेंट है 10-15%, हेमी सेलुलोज 5-10%, हेमी सेलुलोज एंड वाटर है 60% एंड प्रोटीन्स हैं 1-2% और लिपिड्स हैं 0.5-0.3%। ये सारी जो है केमिकल कंपोजिशन है सेल वॉल की। तो यहाँ पे जो है वो सेल वॉल जो है वो ख़त्म हो गया आपका।